प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में मैं एस कुमार स्वागत करता हूं। बच्चों, यह मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म है और यहां पर हम यूपीएससी पीटी के लिए 2020 के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जरा सब्जेक्टिव रूप में देखा था कि क्या क्या चीजें क्या है ना, और अब हम यहां पर बात करेंगे फैक्चुअल चीजों पर, फैक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बाय एस कुमार सर, यानी कि मैं, और यहां पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और एक एक चीज पर हम बड़े अच्छे से आपके साथ में बात करते हुए चलेंगे। तो बड़ा मजेदार है, इसको आप खूब इंजॉय के साथ आप देखें, समझें। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आमदनी, ठीक, प्रति व्यक्ति आय, और सीधे इससे जुड़ा हुआ है नेशनल इनकम, अगला टॉपिक है, इसी को पढ़ना है। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है हर व्यक्ति की आय। आप देखिए, बहुत बड़ा देश है और जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, बहुत सारे टर्म हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन भाई हर व्यक्ति के पास औसत आय कितना आता है यह कैसे पता चलेगा? किसी की आमदनी बहुत ज्यादा, किसी की आमदनी बहुत कम, तो यह एक अनुमानित बात थी। और यह कब की बात है? अभी की बात नहीं है। देखिए जरा सा इन महानुभाव को आप देखें, दादा भाई नौरोजी, नाम तो सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है दादा भाई नौरोजी ना? और इन्होंने कहा कि भैया जो प्रति व्यक्ति आय है वह 20 रुपया प्रति वर्ष है। आप देख सकते हैं कि, अच्छा एक बात समझिए, अभी की बात नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं कि यह कब की बात है, 1867 और 68 की बात है। और यह क्वेश्चन आईएएस के 2000 में पूछा गया है, यूपीएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस बात को देखिए कि यहां पर आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने बहुत पहले, यानी जब देश गुलाम था, आप समझ सकते हैं, 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, आने में बात होती थी, 1 आना 2 आना 3 आना, समझिए। आज कोई कहे कि भाई 20 रुपया जो है तो 20 रुपया तो कुछ नहीं होता है, 10 रुपये की एक चाय आती है, 2 चाय पिया 20 रुपया खत्म हो गए, 20 रुपया पूरे साल का। तो आप समझ सकते हैं बात भी कब की हो रही है, 1867 to 68 की। इस समय उन्होंने अनुमान लगाया कि हर एक व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति आय का कांसेप्ट आज का नहीं है, पुराना है। भाई आमदनी कितनी है, जेब में पैसा कितना आता है, तो पूरे साल का जो कांसेप्ट कितना था, 20 रुपया प्रति वर्ष था। देखिए पूछा गया प्रश्न, आगे देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लॉर्ड कर्जन ने किया था? आप जानते होंगे लॉर्ड कर्जन को, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, नाम सुना होगा आपने लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने जो है अनुमान लगाया था, और यह अनुमान है 1901 का। कब की बात है ये? 1901 की बात है। और कितना लगाया था इन्होंने अनुमान प्रति व्यक्ति आय की? भाई यहां पर आदमी की जो आय है वह 30 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाला था 30 रुपया प्रति वर्ष, और यह लॉर्ड कर्जन है, तो इस बात को फैक्ट है, ये हमें देख के चलना पड़ेगा। अब इसके बाद इसी क्रम सिक्वेंस में चीजों को नोट किया, धीरे धीरे आप देखते रहिए चलिएगा। पहला पॉइंट कब का था? 67-68 का सत्र था। यह कब की बात है? 1901 की बात है, देश अभी गुलाम है। अब चलते हैं भारत में डॉक्टर वी के आर, ठीक है, और बी राव, ये दो लोग हैं, ने अपने प्रति व्यक्ति का अनुमान कितना किया था? अब आप सोचेंगे इन्होंने अनुमान किया है 62 रुपया, तो ये भी देखिए सन कौन सा है, 31-32। नहीं तो भाई एक बात समझिए, अगर 30 रुपया है तो कोई 30 का लगाएगा, कोई 31 का लगाएगा, कोई जो है 29 का लगाएगा, आसपास आना चाहिए। लेकिन यह 1901 की बात है, और यह कब की बात है? 1931 और 32 की बात है। अब चलने दीजिए आगे धीरे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, ठीक है, अर्थात आप देख सकते हैं ये पीरियड है 44 से 46 के मध्य, कुल राष्ट्रीय आय था, प्रति व्यक्ति आय कितना था? आप जरा इस बात को देखिएगा, यह जो है 4931 तथा 204, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता, देश आजाद हुआ, देश का नेशनल इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। भाई टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4931 मतलब लगभग 5000 करोड़ का हमारा पूरा जो है इनकम था। अभी मोदी ने क्या कहा, 20000 करोड़ का मैं पैकेज दे रहा हूं ना, और वहां 20000 करोड़ का पैकेज निकाल दिया खर्चे, और वहां पे नेशनल इनकम ही, पूरे राष्ट्र की आय ही कितनी थी, 5000 करोड़, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। तो आप देख सकते हैं ये
कितना है 4931 करोड़। और यहां पर प्रति व्यक्ति आय कितना पहुंच गया है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जेब में कितना है औसतन रुपया, 204 रुपया है। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ता हूं, अगली व्यवस्था देखिएगा। एक नाम है हार्ट मैकेंजी का, ये सब हिस्ट्री के शब्द हैं, और यह बात है 1822 की। इन्होंने एक महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक थे। इन्होंने कहा कि भाई महलवाड़ी व्यवस्था, पूछा गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था के प्रथम जो है, प्रथम पहली बार किन्होंने इस चीज का प्रस्ताव लाया था, प्रस्ताव किसने दिया था कि महलवाड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऐसे ही महलवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था के जो प्रस्तावक थे वो हार्ट मैकेंजी थे, और इनका ईयर आप देखिए कब है, 1822 का। अगला देखिए, देखिए डाकू राज्य, कैसा राज्य, डाकू, डाकुओं का राज्य, लुटेरों का राज्य, डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई है, ठीक है, मतलब लूट लिए है, मतलब जीना मुश्किल कर दिया, लुटेरे, डाकू, डाकू काल किसको बोलते हैं, तो देखिए 1765 से लेकर के और 72 ईस्वी का, और यह कहां की बात है, यह बंगाल की बात है, कि काल को के एम, ये नाम इनका पड़िक्कर द्वारा, और यह क्वेश्चन जो है के एम पड़िक्कर द्वारा, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो के एम पड़िक्कर साहब ने क्या कहा, उसने कहा कि इस पीरियड को बंगाल में, इस पीरियड को क्या उपमा दिया था, डाकू राज्य का उपमा दिया था, ये बात आप समझिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अब यहां पर अगला पॉइंट देखिएगा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक टर्म है जरा इसको जानिएगा। तो औपनिवेशिक किसी देश में अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, भाई एक बात समझिए, हमारा देश है उधर से जो है, लेकिन शासन किसका है, ब्रिटेन का है, शासन किसका है, इंग्लैंड का है, शासन किसका है, डच का है, शासन किसका है, पुर्तगाली का, शासन किसका है, अंग्रेजों का। आप देखिए एक हमारा देश हमारा है, ठीक है, लेकिन शासन कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, बाहर के लोग कर रहे हैं, वही उसी को बोलते हैं औपनिवेश, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित हो जाना। हमारी अर्थव्यवस्था थी, जैसे आप समझिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 20 रुपए अगर आ रहे हैं तो 20 रुपए में 0.5, या 10 रुपए आ रहे हैं तो 10 रुपए में 0.25 यहां के लोगों के पास पहुंचता था, बाकी पैसा सब गायब हो जाता था। तो इस तरह की व्यवस्थाओं से हम लोग गुजरे हैं, तो इसको बोलते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था, इस बात को देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध सामंतवादी व्यवस्था। तो अंग्रेजों द्वारा जो भारत के ऊपर अधिरोपित की गई व्यवस्था थी वह कौन सी थी, अर्ध सामंतवादी व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों का अधिकार हो जाता है। सामंती यहां के लोग हैं और सरकार आ गई, उसने दोनों को मिला करके उसकी अर्थव्यवस्था पर हावी हो गई और इसको दे दिया नाम अर्ध सामंतवादी। इसी तरह से आप देखेंगे हमारी प्रणाली में एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे है, से प्रत्येक अच्छी वस्तु से लेती है फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। यह वक्तव्य किसने दिया था, यह वक्तव्य दिया था जॉन सुलविन ने, जॉन सुलविन नामक व्यक्ति ने यह बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था यहां से टेम्स कैसे पहुंच गई। भाई आप इस बात को देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था गंगा के किनारे से निकली है और यह निकल करके पहुंच गई टेम्स, यानी आप देखें फॉरेन पहुंच गई, यानी यह व्यवस्था, यह निचोड़ दिया हमारी जो है टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी ये इस वक्तव्य को कौन दिया था, जॉन सुलविन ने दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन यहां पर हुकूमत करती थी और यहां की सारी अर्थव्यवस्था जो है, सारा उपजाऊ मिट्टी, सारा कल्चर, सारी व्यवस्था, सारी इकोनॉमी पर पूरी तरह से कब्जा था, और वह कब्जा होकर के संसाधन का दोहन होकर के यहां से इसका निर्गमन होता था। तो यह सारा फैक्ट मैंने आपको बताया, इनको आप स्क्रीनशॉट के द्वारा भी इसको आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले पेज पर, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एक एक करके मैं बताते हुए चल रहा हूं, तो बड़ा ही मजेदार है, इन सब चीजों को हमें समझते चलना है। उत्तरी भारत में, ठीक है, देखिए भारत को दो भागों में बांटिए, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है,
देखिए जमीन का कर समझिएगा, गवर्नमेंट पैसा कहां से पाएगी, जहां से लूट सकते हो लूटो, टैक्स लगाओ भाई। तो ये किसकी बात हो रही है, भूमि कर व्यवस्था। यह भूमि कर व्यवस्था आप यहां पे देख रहे होंगे, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, मार्टिन बर्ड को। नाम याद रखिए, मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड उस क्या बोलते हैं कि हम कर लेंगे, कहां से कर लेंगे, भूमि से कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। महलवाड़ी, इसका जिक्र भी हुआ था, महलवाड़ी भूधारण व्यवस्था सर्वप्रथम कहां और किसके द्वारा लागू की गई थी, कहां लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई, आइए इसको हम सन के साथ आप बताते हैं। यह लागू की गई 1833 में, कौन लागू किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बड़ा नाम आता है इनका, कर प्रणाली में सुधार, बहुत सारी चीजों में बेंटिक का नाम आएगा इतिहास में, इस चीज को आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक्स में इस बात को देखिएगा कि अगर महलवाड़ी भू प्रणाली व्यवस्था की बात की जाती है तो किसके द्वारा लागू की गई, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आगरा एवं अवध में। आप देख सकते हैं ये दोनों ही, आप यहां पर देख सकते हैं कि यह आप आगरा आपका ये उत्तर प्रदेश में है और अवध यहीं पर है। तो आगरा और अवध में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, किसने लागू किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सन कौन सा है, 1833। आप समझ पा रहे होंगे। बंगाल में सर्वाधिक भीषण एवं संहारक आपातकाल का वर्ष कौन सा था, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1943। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है, 1943 बंगाल के लिए सर्वाधिक भीषण एवं संहारक आपातकाल वर्ष रहा है। गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य, देखिए यह टर्म है, आप इसको देखिए, गतिहीन विकास, विकास के अंदर गति ही नहीं है, डेवलपमेंट रुक गया है, विकास ऐसे ऐसे पटरी पर चल रहा है, गति रुक गई है, लग रहा है कि विकास हो रहा है लेकिन विकास वहीं पर रुका पड़ा है, गतिहीन विकास। गतिहीन विकास के बारे में बात करेंगे, देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय प्रायः क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय रुक गई उतनी ही, राष्ट्रीय आय वहीं पर रुक गई, तो क्या हो गया, लग तो रहा है कि गति हो रही है। जैसे आपका इस वर्ष भी, मान लीजिए इस वर्ष भी आप 10,000 कमा रहे हैं प्रतिमाह, और अगले वर्ष भी आप अगर 10,000 रुपया प्रतिमाह कमा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए, इसका यही मतलब हुआ कि आपकी जो गति है वह क्या हो गई है, रुक गई है। तो इसी को कहते हैं गतिहीन विकास, जिसको हम ऐसे मापन करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय वह प्रति व्यक्ति आय प्राय क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। ब्रिटेन का औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थी, इस बात को समझिएगा। हम यहां पर बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक अंग्रेजों द्वारा भारत पर औपनिवेशिक शासन किया गया। ब्रिटेन की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थी, देखिए इसको बोलते पूरक अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते कंप्लीमेंट्री इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इकोनॉमिक, अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले ले, इस बात को समझिएगा। मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन, आप इस बात को समझिएगा, जो अंग्रेज है इकोनॉमी हमारी है, अर्थव्यवस्था हमारा है, लेकिन यह पैसा दूसरे देश के लिए काम कर रहा है, ऐसी व्यवस्था को हम लोग औपनिवेश कहते हैं। ये बात यहां पर बताया गया है, ब्रिटेन की औद्योगिक वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थी, तो आप इसको समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इकोनॉमिक थी, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूरक इकोनॉमी। तो ये सारी फैक्ट हमने देखे, नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, और यह फैक्ट की सीरीज है, और यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग प्री एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों का शासन, औपनिवेश का शासन, दोहन का शासन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन था, आप देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा अभी इनका नाम भी हमने बताया था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे, उन्होंने लिखा था धन का निष्कासन जैसी बुक, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना भी आप देख सकते, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था अपनी पुस्तक पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पावर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इसमें इन्होंने लिखा था धन के निष्कासन का सिद्धांत, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, धन के निष्कासन का सिद्धांत, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि
धन का निष्कासन कैसे हुआ, यह सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई लोरे जी। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने धन के निष्कासन के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में कि जो है प्रायोरिटी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से धन का निष्कासन होता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय था प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है, तो आप देखिएगा किसका आकलन सबसे पहले सबसे बढ़िया माना गया था, तो आप देख सकते हैं इसमें नाम है डॉक्टर बी के आर और डॉक्टर बी राव के आकलन को, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीयों द्वारा किए राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया था, किसकी बात को बताया गया था, ये ठीक बता रहे हैं, तो आपने देखा है, हमने बताया था अभी 61 रुपीज बताया था इन्होंने, तो ये कौन है, डॉक्टर बी के आर और डॉक्टर बी आर के आकलन द्वारा इसको बताया गया था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का नाम कौन नहीं जानता, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति अपने बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड किसकी सुप्रसिद्ध कृषि थी, आप देख सकते हैं यह नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बुक का नाम इंडिया डिवाइडेड। आइए आगे देखते हैं, ये सब फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं आरएस में पूछा गया है, आगे चलते हैं बच्चों। द लैंड सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है, आप देख सकते हैं बी एच बेडन पावल, आप ये सब फैक्ट है तो आपको याद करना पड़ेगा, बी एच बेडन पावल ने क्या लिखा भाई, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की कृति थी, बी एच बेडन पावल, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी के धन का निष्कासन कौन सी संज्ञा प्रदान की गई थी, तो आप देखिएगा इसको संज्ञा प्रदान की थी एविल ऑफ ऑल एविल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस बहुत ही क्रांतिकारी बुक थी धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था भाई। जब इस यह बात हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ का जो है आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से जो है औपनिवेश बन चुकी है और इसमें जो है कोई ना कोई उसको कैसे हम जागरूक करेंगे अपने देश के लोगों को, तो आप देख सकते हैं इस तरह की बुक आग में घी का काम करती है। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई थी, तो इसमें लिखा गया था अनिष्टों का अनिष्ट, समझ रहे हैं, जो हमारा शोषण कर रहा है उसका शोषण करने वाली बुक है, अनिष्टों का अनिष्ट, evil of all evils, समझिएगा evil of all evils, तो ये ध्यान रखिए जो जो औपनिवेशिक जहां जा रही होगी वहां वहां लोगों की आंखें खुलेगी, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा पैसा ब्रिटेन चला गया, हमारा पैसा इंग्लैंड चला गया, हमारा पैसा पुर्तगाल चला गया, तो आंखें फट जाती हैं, फिर लोग क्या होते हैं जागरूक हो जाते हैं, तो इसलिए इसको संज्ञा दी गई थी क्या, अनिष्टों का अनिष्ट, बहुत फेमस बुक। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी भाई इंग्लैंड में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई है वह कहां हुई है, इंग्लैंड में हुई है। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन से मिल स्थापना के साथ माना जाता है, तो इस बात को देखिएगा 1854 में सी.एन. ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ। आप देख सकते हैं आज के डेट में भी मुंबई एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, आप इस बात को मना नहीं कर सकते हैं, और यह बात आप देखेंगे सबसे पहली बार औद्योगिक की बात हो रही है, आधुनिक उद्योग की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि यह मिल की स्थापना के साथ माना जाता है 1854 में, यह ईयर याद रखें 1854, और आप देख सकते हैं सी एन ढेबर के द्वारा किस चीज का किया, उन्होंने सूती मिल का, उन्होंने क्या किया, सूती मिल स्थापित किया। आइए बच्चों अगले पेज पर चलते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ये फैक्ट है बच्चों, और फैक्ट जो होता है उसको रट लिया जाता है, याद कर लिया जाता है, समझते हैं हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा और हम इस चीज को समझेंगे, ठीक। देखिए भारत में जो उद्योग आए, एक एक करके उद्योग आए, उन उद्योगों को स्थापित किया गया, धीरे धीरे उसकी क्या हुआ, उसके लिए मिल बनाई गई, उसके लिए कारखाने बनाए गए, उस पर जो है लेबर फोर्स दिया गया और उस पर काम करवाया गया। हम इसी तरह के कुछ जो है आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण उद्योग लेके आए हैं और उन उद्योगों का स्थापना वर्ष और किसने किया और क्या वह सफल रहा असफल रहा, इसमें भी बात होगी, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं बच्चों, और आप इसको देखिए हमारे सामने यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि यह हमारे सामने है सूती वस्त्र, हमने यहां से स्टार्ट किया सूती वस्त्र, सूत्री वस्त्र जो किया था इन्होंने किया था फोर्ट
क्लोस्टर ने और इन्होंने कोलकाता में किया था। आप देखेंगे कोलकाता भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक का केंद्र रहा है, और पहले जो है लोग कोलकाता खूब जाते थे कमाने के लिए, खूब कोलकाता जाते थे। अब तो थोड़ा लोग इधर आगे दिल्ली मुंबई की तरफ भागने लगे, क्योंकि शुरुआती समय में कोलकाता का बड़ा क्रेज था, तो कहते थे कि भैया जाओ कोलकाता से कमा के लाओ। तो आप देख सकते हैं कि उद्योग की स्थापना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में कोशिश की गई थी, किसके द्वारा? फोर्ट ग्लोस्टर के द्वारा, जो कि असफल हो गई थी, और इन्होंने कोलकाता में प्रयास किया था। इसके बाद और देखिए कागज, कागज चिट्ठी ना कोई संदेश, कागज का इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। कागज 1832 में किया गया, और कहां किया गया? श्री रामपुर पश्चिम बंगाल। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पहली बार 1832 में, उसके पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में इस चीज को स्थापित किया गया, कागज उद्योग। अब देखिए चीनी उद्योग, चीनी उद्योग 1840 में कहां? बेतिया बिहार। आप देख रहे हैं बेतिया नाम है बिहार के एक छोटे से राज्य का, बेतिया यह स्थान है, प्लेस है बेतिया, और बेतिया जो बिहार में है 1840 में। अब देखिए हमने क्रम वाइज भी लिखा है 1818, 32, 40, 53, ऐसे आपको याद भी रहेगा तो आप देखते चले जाएंगे एक एक उद्योग किस तरह से भारत में पाव पसार रहे हैं। यह 1840 की बात है, बेतिया बिहार की बात है, और आप देखेंगे यहाँ पर सूती वस्त्र की बात हमने फिर से की है, और यह 1853 में हुआ है, और ये भी आपको बता भी रहे थे यह मुंबई में हुआ है और ये सफल भी हो चुका है। जूट की बात अगर हम करें 1855 में आया है, देखिए रिंसरा पश्चिम बंगाल में हुआ है। लोहा इस्पात की अगर हम बात करें 1870 में आया है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में आया है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें 1876 में आया है, कानपुर में आया है। सीमेंट की बात करें 1904 में आया है, तो कहां पर है? चेन्नई में है। कृत्रिम रेशा रेयान की आप देखेंगे 1920 में आया है, और यह कहां पर है? तो अनकोर केरल में है। इसी तरह से एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे 1937 में है, जेके नगर पश्चिम बंगाल में है। और भारी अभियांत्रिकी यानी आप हैवी इंजीनियरिंग की बात करेंगे 1958 में है, और यह रांची झारखंड में है। उद्योगों का क्रमिक विकास बेसिकली क्या है ना, आप देखेंगे कि जो हमारी 18वीं सदी 19वीं सदी 20वीं सदी, ये 18वीं सदी आप अब देख सकते हैं 18 सेंचुरी से ही लगभग क्या होगा, इन्वेंशन का युग था, आविष्कार का दौर है। और आविष्कार का जब दौर होता है, ध्यान रखिएगा, तो जहां पर कच्चा माल होता है वहां वहां पर इंडस्ट्री भागी हुई आती है, ध्यान रखिएगा। अरे भाई आप ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि जूट यहां से लेके जाएंगे और जूट ले जाकर के ब्रिटेन में, यहां से जूट लेके जाएंगे और वहां पर कपड़े बनाएंगे, ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो जूट मिल यहीं पर बनेगी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो उद्योग, अब ऐसा तो नहीं करेगा कि चीनी बनाने के लिए बिहार से गन्ना लेकर के कहां पर जाएगा, ठीक है ब्रिटेन तक जाएगा। अरे भाई बस चलती थी कोलकाता से ब्रिटेन जाती थी, उस समय आप देख सकते सबसे लंबी दूरी चलती थी, लगभग 1.5 महीने तक की यात्रा होती थी, और कोलकाता से जो है बस चल करके ब्रिटेन पहुंच जाती थी। आदमी का यात्रा करने में 1.5 महीना लग रहा है, गन्ना अगर यहां से चले और उसको ले जाए ब्रिटेन और वहां चीनी बनाए तो मर जाएंगे, अर्थव्यवस्था से दब जाएंगे, तो चीनी मिल का स्थापना कहां करोगे तुम, तो व्यवसाय कहां का बढ़ेगा? भारत का ही बढ़ेगा, इस बात को आप समझिएगा। तो आप इस बात को समझिए, लेकिन फिर वापस वही दिक्कत आती थी, मोनेटरी चीज पर कंट्रोल किसका है, तो वो फिर वापस जो है औपनिवेशिक वाली बात को फिर से वह सिद्ध कर देती है। तो ये हमने आपको बताया, देखिए इस तरह से आप यहां तक देखें कि लगभग इतने सारे एल्युमिनियम के, कृत्रिम रेशा के, सीमेंट के, ऊनी वस्त्र, लोहा इस्पात, जूट, ये सारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहां पर स्थापित किए गए, और किस तरह से जो है फिर ये एक एक करके जो है हमारे देश में स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। ब्रिटिश व्यवस्था में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं, आइए इन प्रथाओं को समझते हैं और इन पर हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है तीन कठिया प्रथा। कैसी प्रथा है? तीन कठिया प्रथा। क्या कहता है तीन कठिया प्रथा? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों के अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में जो है पूछा गया है। तीन कट्ठा, इसीलिए इसको बोला गया तीन कठिया। और घटना कहां की है आप देख सकते हैं, यह घटना है बिहार की, आप देख सकते हैं यह चंपारण की घटना है। चंपारण में लागू किया गया तीन कठिया, नील की खेती उगाओ,
नील की खेती उगाओ और कम से कम 3 कट्ठे में तुम्हारी नील उगनी चाहिए। तो आप 3/20 भाग समझ रहे हैं, अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो 20 में 3, अगर आपके पास 40 कट्ठा है तो 6, हर 20 पर आपको 3 भाग में नील की खेती करना प्रतिबद्धित कर दिया गया था। इसी को 3 कठिया प्रथा बोला गया। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य था। तो आप इसको पता होना चाहिए कि 3 कठिया प्रथा क्या होता है। दूसरा ददनी प्रथा। ददनी प्रथा मैं बताता हूं क्या होता है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों शिल्पियों के अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अग्रिम पेशगी। ददनी नाम है ददनी। अब काम क्या करना है, एडवांस पैसा ले लो, ददनी प्रथा दबा दो, दबा के ले लो ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों से कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ददनी प्रथा में क्या होता था। ददनी प्रथा अग्रिम पेशगी, आप समझिए अग्रिम पेशगी का मतलब क्या होता है। अग्रिम का मतलब किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही पैसे को दे देना। तो ददनी प्रथा क्या थी, अग्रिम पेशगी थी, समझ रहे हैं। लेकिन यह अग्रिम पेशगी, इसमें थोड़ा सा उल्टी बात है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को कारीगरों को शिल्पियों को अग्रिम पेशगी संहिता के रूप में धन देते थे। बेसिकली देखो, होना तो चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि शोषण की बात हो रही है तो अंग्रेजों द्वारा शोषित करना चाहिए था, लेकिन यहां पर उल्टा काम हो रहा है। आप सोचिए कि ददनी प्रथा लागू है, पैसे देने की बात है, पैसा मिल रहा है भारतीय व्यापारियों को, काम करने वालों को, मजदूरों को अग्रिम पेशगी, मतलब समझ रहा है एडवांस में पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि आपसे काम करवाना है। आप थोड़े से पैसे लेके फंस जाएंगे फिर क्या होगा, फिर तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो भाई क्यों आपने आसाम से अग्रिम अमाउंट लिया। और आप समझ रहे होंगे जो गरीब होगा, जो भूखा होगा, जो मजबूर होगा, उसको अग्रिम पेशगी लेनी पड़ेगी, और अग्रिम पेशगी ले लिया तो फंस गया। यही थी ददनी प्रथा, तो आप इस बात को समझिएगा। इसके बाद बच्चों कमेटियों प्रथा। कमेटियों प्रथा क्या था, इसके अंतर्गत दो जगह बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुनो जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर इनकी सेवा करते थे। इसी बात को समझिएगा, बड़ा बेकार प्रथा थी, ठीक है, आजीवन गुलामी की प्रथा थी। इसका नाम है कमेटियों प्रथा। क्या नाम है, कमेटियों प्रथा। कमेटियों प्रथा यानी कमिट हो गया बंदा, धन ले लिया, अब उसका ब्याज नहीं चुका पा रहा है, अब ब्याज नहीं चुका पा रहे हो तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा, तुमको गुलामी करना पड़ेगा। यही बात थी कहां की, बिहार की उड़ीसा में कृषि दास के रूप में, कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुनो जाति के लोगों को अपने मालिकों द्वारा ऋण प्राप्त पर ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करनी होती थी। इस बात को समझिएगा, आपको जरूरत थी, मजबूरी थी, कोई हारी बीमारी है, कोई परेशानी है, कुछ जीवन जीने की बात है, आप पैसा ले आए, लेकिन पैसा लेने के साथ ये तय हो गया कि आप बधवा मजदूर बन गए। और इस प्रस्ताव क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कम्युनिटी प्रथा। और ये बात कहां की हो रही है, बिहार और उड़ीसा की बात, ये सारी बातें स्वतंत्रता के पहले की है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अर्थव्यवस्था को समझना है तो थोड़ा सा पहले से आपको चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, और उसमें जो जो बातें एग्जाम में आई उनको हमें समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं, भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव को निम्न 3 चरणों में बांटा जाता है। इन चरणों को बस आप जानिए, पीरियड जानिए, 3 चरण हैं। कौन कौन से भाई, जरा 3 चरण हैं, आइए हम लोग देखते हैं वह 3 चरण कौन से हैं। हम देखते हैं कि वह 3 चरण कौन से हैं, हम देखते हैं कि वह 3 चरण कौन से हैं। पहला चरण है 1757 से 1813 का, दूसरा है 1813 से 1858 का, और तीसरा 1858 से 1947 का। उसके बाद काम खत्म, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, न हम तुम्हें जानते न तुम हमें जानते। इतिहास में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तभी जानेंगे। 1857, इस तरह से हमने देखा कि इसमें 3 पार्ट हम बांट सकते हैं, ठीक है। आप देखिए 1700 से 1813, 1813 से 1858, 1858 से 1847, ये 3 टाइम पीरियड को आप याद रखें, 1757, 1813, 1813 के बाद 1858 और 1947। पहला जो था इसको हम बोलेंगे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। कैसा पीरियड था, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। यहां पर उपनिवेशवाद की बात हम कर रहे हैं, कैसा उपनिवेश है, वाणिज्यिक उपनिवेश है, कॉमर्शियल है। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक।
औद्योगिक उपनिवास है और तीसरा कैसा है, वित्तीय उपनिवेशवाद है, यानी उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति बदली है इन पीरियड के दौरान पर। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस बात को और अच्छे से समझिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के दौरान इकोनॉमिक्स को जो ध्यान रख लेगा उसका हिस्ट्री कभी मार नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ धन संपदा के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद और वित्तीय, इस तरह से हम तीन पीरियड देख सकते हैं। इसको आप देखिए, देखिए 1757 से 1813 वाणिज्यिक उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए एकाधिकारी व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती का प्रत्यक्ष उदाहरण है, इस बात को आप देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, इनके द्वारा एकाधिकारी व्यापार। भाई एकाधिकारी व्यापार कैसे हुआ, केवल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी, तो डकैती हो गया ना भाई, कोई विकल्प ही नहीं बचा। अरे मार्केट है, 100 लोग आए और 100 लोग व्यापार करें तो मार्केट में संतुलन अवस्था बनी रहेगी। एक आदमी का एक अधिकार है, मैं ही यहां पर व्यापार करूंगा, तो तुमने कर दिया ना सत्यानाश, वही सत्यानाश हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं 1757 से लेकर 1813 टाइम का जो पीरियड है इसको हम वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कहते हैं और इसको हम आर्थिक डकैती की भी संख्या देते हैं। और यह जो रॉबर्ट आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम वाणिज्यिक उपनिवेशवाद द्वारा कहते हैं। दूसरा देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में विशेषकर पंजाब, सॉरी विशेषकर बंगाल से कच्चा माल सस्ती कीमत पर इंग्लैंड को भेजा गया और इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाकर ऊंचे दामों पर बेचा गया। यह दोहरा आर्थिक शोषण औद्योगिक उपनिवेशवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इस बात को भी समझना चाहिए। देखिए क्या हुआ, कच्चे आइटम तो आपने हमारे लिए लिए, कच्चे आइटम आपने अपनी कर शर्तों पर ले लिया और उससे बनाए कपड़े, और उन कपड़ों को क्या किया, वापस हमारे को बेच रहे हैं तो और ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं जो मार्केट मूल्य से ज्यादा, तो दोहरा शोषण हुआ कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में विशेषकर बंगाल से जो कच्चा माल था सस्ती कीमत पर कहां भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया, और इंग्लैंड भेजने के बाद इंग्लैंड से बनी वस्तुओं को वापस भारतीय बाजार में भेजा गया, इसे हम बोलते हैं औद्योगिक उपनिवेशवाद। तो इन टर्मों को आपको समझना पड़ेगा। यह पीरियड रहा है 1813 से लेकर के 1858 का, आप देख सकते हैं लगभग छोटा ही पीरियड रहा है। अगर हम इसको माइनस करें तो यहां पर 5 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, लगभग 40-45 साल का यह पीरियड रहा है। और देखिए 1858 से 47 तक वित्तीय उपनिवेशवाद का काल रहा। भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के को बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं के साथ जोड़ा गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। फिर समझिए, अब देखिए, अब मामला है वित्तीय उपनिवेशवाद का, अब बात है पैसे को दोहन करने का। वित्तीय उपनिवेशवाद का पीरियड आप देख सकते हैं 1858 से लेकर के 1947 तक का, देश की आजादी तक का। आप देख सकते हैं इस काल में भारत और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंधन संस्थाओं के साथ क्या किया गया था, सबको जोड़ दिया गया था। तो अब शोषण हम सीधे क्या करेंगे, वित्त के माध्यम से कर लेंगे। तो इस तरह से यह तीन जो है, तीन चरण में आप बांट करके इस जो है ब्रिटिश शासन के प्रभाव को आप जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और पर चर्चाएं करेंगे। उत्पादन वृद्धि प्रावधिक तथा संस्थागत परिवर्तक किसके द्योतक है, देखिए प्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, हरित क्रांति आ गई है, उत्पादन खूब हो रहा है, उत्पादन वृद्धि प्रावधिक संस्थागत परिवर्तन। अगर मान लीजिए आप देखेंगे कि इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो है डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं प्राविधिक और संस्थागत परिवर्तन दिख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले मान लीजिए आप बैल से खेती हो रही थी, अब ट्रैक्टर आप देख रहे हैं आ रहा है, नए नए कल्टीवेटर आ रहे हैं, ये सब किस चीज का द्योतक होता है, तो आप देख सकते हैं किसका, ये आर्थिक विकास के क्या है, द्योतक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक टर्म है आर्थिक समृद्धि, समृद्धि का मतलब मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, ग्रोथ होता है। आर्थिक समृद्धि मतलब जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं वह किससे मानते हैं, तो हम जीडीपी से इसको मेजर करते हैं और जीएनपी से मेजर करते हैं और प्रति व्यक्ति आय से हम इसको मेजर करते हैं। समृद्ध हम कैसे मानेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हम कहेंगे समृद्ध हो रहे हैं, हम जीडीपी हमारी ग्रोथ हो रही है तो हम कहेंगे समृद्ध हो रहे हैं, जीएनपी हमारी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि हम समृद्ध हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सब आर्थिक समृद्धि के क्या है, मापक है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आईएएस में 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि अगर देश समृद्ध हो रहा आर्थिक रूप से तो कैसे पता चलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालिए, उसी से पता चल जाता है, वही मापदंड होता है। आर्थिक समृद्धि विकास किस प्रकार की अवधारणा है, आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ, समझिएगा इसको ऑब्जेक्टिव भी समझें और इसको सब्जेक्टिव समझें। आर्थिक समृद्धि तथा विकास, समझिएगा आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है और विकास क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, इस बात को समझिएगा। आर्थिक समृद्धि ऑब्जेक्टिव है और विकास सब्जेक्टिव है। विकास के अंदर आर्थिक समृद्धि भी आ जाता है, जिसे एक चीज समझिए, मान लीजिए हम फसल पैदावार कर रहे हैं और फसल मान लीजिए हम पहली बार 100 टन पैदा किए लेकिन अब हमने 120 टन पैदा कर लिया, इस बात को समझिएगा, तो यहां पर आर्थिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन विकास आप इस बात को समझिएगा कि वह हमने जो 120 टन पैदा किया है उसकी क्वालिटी भी हमने क्या कर दी, बेहतर कर दी। तो अगर हमने क्वालिटी भी बेहतर कर दी और पैदावार भी ज्यादा कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, यह विकास होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो विकास है वह सब्जेक्टिव है और जो ग्रोथ है यानी जिसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं वह ऑब्जेक्टिव है। आर्थिक विकास के मापन किसके द्वारा किया जाता है, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक के द्वारा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह बेसिकली क्या है, आर्थिक विकास जो है वह लाइफ की गुणवत्ता के बारे में बताता है, किस क्वालिटी का लाइफ आप जी रहे हैं उसका यह क्या है, एक सूचक है। चलिए बड़े मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में बच्चों हमने ये सारी चीजें आपको बताई हैं और इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है और थोड़ी बहुत बातें और हैं जिस पर हम आपके साथ लगातार बात करेंगे और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी बात और है, तो बड़े प्रेफरेंस के साथ आप इन फैक्टों को भी सुन लें, बस एक दो पेज ही और है। राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, एनपीडी आप यहां पर देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि एनपीडी और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। एनपीडी के बारे में आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिएगा, सामाजिक आर्थिक विकास ठीक के मापन का मानक सूचकांक, समझिएगा सामाजिक आर्थिक विकास का मानक सूचकांक स्टैंडर्ड इंडेक्स ठीक है, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक को माना जाता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक एनपीआई इंडेक्स होता है, एनपीडी नहीं, एनपीआई तो एनपीआई को माना जाता है और इसके तीन घटक है। पहला तीन घटक क्या है, पहले हम जीडीपी देखेंगे ठीक है, समृद्ध होने के लिए पहले क्या देखा जाएगा, जीडीपी कितनी है। दूसरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार, देखिए गरीबी बीपीएल के नीचे कितने लोग हैं इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जीवन कितना, पहले बीपीएल के नीचे कितने थे अब बीपीएल के नीचे कितने हैं, तो हम इस बात पर ध्यान देंगे। तीसरा आर्थिक सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना, इस बात को समझे। तीसरी जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, अपनी संस्कृति जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमें विरासत में संस्कृति मिली हुई है, उस संस्कृति पर आधारित मूल्य प्रणाली ठीक है, वह संस्कृति के आधार पर जो हमारा मूल्य है, जो हमारी मूल्य प्रणाली है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उसको किस प्रकार उपयोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम इन सारी चीजों में देख रहे हैं कि हम कल्चर भी मेंटेन किए हुए हैं, अपनी विरासत को भी मेंटेन किए हुए हैं, उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं बीपीएल उनकी संख्या भी कम होती जा रही है, जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप इससे देख सकते हैं कि क्या है। और हमारे यहां आप देखिएगा, अगर आप 12वीं पंचवर्षीय योजना को एक साथ देखेंगे तो लगातार हमने जीडीपी को बढ़ाने का कार्य किया है, तो इस चीज को आप समझिएगा। उल्लेखनीय है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार शुद्ध पे, अच्छा अब देखिए भाई एक बात समझिए कि गुणवत्ता में कैसे होगा, सबको बढ़िया पानी मिले, एकदम मिनरल वाटर पिलाया जाए सबको, अच्छा भोजन मिले ठीक है, आवासीय व्यवस्था सबके पास रहने की व्यवस्था हो, उचित साफ सफाई हो, उचित स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सारी संभावनाओं का जो फलन है यह आप और देखें, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिकता, समन्वय, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, सामाजिक विषमता का अभाव, सामाजिक विषमता का अभाव, और इसके बाद सहभागिता, समरसता, संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करती है। यानी कुछ समय पहले आप देखेंगे कि दक्षिण सम्मेलन में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी सूचकांक को आधार बनाकर दक्षिण संबंधी सूचकांक विकसित करने का आह्वान भी किया था। उन्होंने कहा था
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को कहा और ये बात यहाँ पर नहीं कही, उन्होंने दक्षिण सम्मेलन में कहा कि देखो ये जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं अगर इस तरह से अगर इन पॉइंटों को हम लोग करेंगे तो यह समृद्धि सूचकांक के लिए बड़े मान्य रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने आपको बताया राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक और यहाँ पर हमने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी जिक्र किया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आखिरी बात, यहाँ पर हम अमित सिंह की बात करने वाले हैं, प्रोफेसर अमित सिंह की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता और महान अर्थशास्त्री कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे ही तो ना किसी को उठा के नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा, आजा भाई नोबेल पुरस्कार ले जा। आप समझिएगा हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अमित सेन की, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमित सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं, कैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास है, जरा उनकी बात को देखिए। उन्होंने कहा अधिकारिता, इसको बोलते हैं इंटेलमेंट, तथा क्षमता कैपेबिलिटीज के विस्तार के रूप में। समझ रहे हैं, अधिकार आपका हो कैपेबिलिटी आपकी हो, अधिकार आपका हो कैपेबिलिटी आपकी हो। अगर उन्होंने ये देखिए लाइन याद करिएगा, अधिकारिता तथा क्षमता की बात उन्होंने की है, उन्होंने कैपेबिलिटी की बात की है, और इस रूप में वह क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आर्थिक विकास को इस रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में सपोज करिए कि जो है मान लीजिए मारुति कोई कार है, कोई जैसे मान लीजिए अल्टो है आपके पास, और आपने कहा यार कार लेनी है, चलो ऐसा करते हैं कि कौन सी कार लेके आए, आपने कहा कि चलो जो है कोई बढ़िया कार लेकर के आते हैं, और आपने फॉर्चूनर जो है हाथ रख दिया। अब फॉर्चूनर जो है मान लीजिए आपको 30 लाख वाली फॉर्चूनर पसंद आ गई, अब आपके पास जो है जब आपके पास पैसा रहेगा, जब आपके पास ताकत रहेगा, तभी तो फॉर्चूनर आप लेकर के आएंगे, नहीं तो फॉर्चूनर कैसे खरीदेंगे, इस बात को समझिएगा। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि भाई देखिए कैपेबिलिटीज आपके पास है, अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास अधिकार है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से विकसित हैं। यह किसके शब्द है, यह है मेरे शब्द नहीं है, यह शब्द है प्रोफेसर अमित सेन नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रोफेसर सेन की दृष्टि में अधिकारिकता तथा क्षमता से क्या तात्पर्य है, अब देखिए अधिकारिता क्षमता को और उन्होंने जस्टिफाई किया है, जीवन में पोषण खूब बढ़िया हो, आत्मसम्मान हो और स्वतंत्रता हो। इस बात को समझिए, इसको तीन तरह समझिएगा, भोजन मोजन एकदम जबरदस्त हो जाए, उसके लेवल पे आपको सोचना नहीं पड़े, बेहतरीन खाना आप खा रहे हैं लाइफ में एकदम मस्त, आत्मसम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इतनी ज्यादा हो, आप एकदम सम्मानित व्यक्तियों में हो, और आपके पास क्या करो एकदम स्वतंत्रता हो, फ्री हो, किसी बाउंडेशन में ना हो, किसी दबाव में ना हो, किसी कर्ज में ना हो, किसी दुविधा में ना हो, किसी अप्रभाव में ना हो। तो ये सारी चीजों को उन्होंने और यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य कितना होगा, देखिए अधिकतम मूल्य 100 और न्यूनतम मूल्य क्या होता, 1। अगर हम गुणवत्ता नापे कि जो है किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता कैसी है, तो उसको हम स्केल पे माप सकते हैं, उसके न्यूनतम जो होती है 1 होती है और अधिकतम क्या होती है 100, यानी अगर किसी का 100 है तो बहुत बेहतर लाइफ जी रहा है, किसी का 1 है तो फिर वह जो है क्या है कि उसका स्टैंडर्ड खत्म है, और अगर मान लीजिए किसी का 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो धीरे धीरे क्या है वह क्या है वह बेहतर की तरफ जो है वह विकसित कर रहा है। तो यहां पर हमने आज आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, और आप लोगों को जो है ये फैक्ट जान करके बहुत अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लास का। मिलते हैं अगले लेक्चर में और फिर आगे के फैक्ट पर हम लोग बात करते हैं। यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हुए बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।